डिजिटल न्यूज वालों को अब टीवी और अखबार दोनों के नियमों पर चलना होगा, फिर तीन लेयर निगरानी भी होगी। आज सोशल मीडिया, ऑनलाइन न्यूज और ओटीटी पर सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी पर सख्ती के लिए सरकार नई गाइडलाइंस लेकर आई है। अब इस नई गाइडलाइन से क्या बदल जाएगा और ये कैसे हम सबको प्रभावित कर सकता है, आज के वीडियो में यही सब विस्तार से समझेंगे। ये जो नई गाइडलाइंस हैं वो तीन अलग अलग सेक्शंस को लेकर हैं। पहला सेक्शन सोशल मीडिया का, जैसे फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट। दूसरा जो सेक्शन है वो डिजिटल न्यूज़ मीडिया का है, जैसे क्विंट यानी हम है, आज तक है, इंडिया टाइम्स डॉट कॉम है, जैसे तमाम प्लेटफॉर्म है। और तीसरा ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, एमएक्स प्लेयर जैसे जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए। तो सबसे पहले डिजिटल न्यूज़ के लिए क्या गाइडलाइन है वो समझ लेते हैं। प्रेस काउंसिल, केबल टीवी एक्ट के नियमों का पालन करना होगा। थ्री लेवल शिकायत निवारण सिस्टम बनाना होगा। अब ये थ्री लेवल क्या है? पहला लेवल सेल्फ रेगुलेशन पब्लिशर करेंगे, मतलब कि शिकायत निवारण अफसर तैनात करना होगा, 15 दिन में सुनवाई करनी होगी। दूसरा जो लेवल है वो सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी, एक ऐसी बॉडी जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज या कोई बेहद प्रतिष्ठित इंसान इसका नेतृत्व करेगा, ऐसी बॉडी बनानी होगी। तीसरा जो लेवल है वो ओवरसाइट मैकेनिज्म का है, सरकार कोई ऐसा सिस्टम बनाएगी जो ओवरसाइट करेगा। ये जरा पेंच वाला सिस्टम लग रहा है, आखिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वाली जो बॉडी है वो ओवरसाइट करी रही है, फिर ओवरसाइट मैकेनिज्म की जरूरत क्यों? जाहिर है इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। लोग कह रहे हैं जब मौजूदा कानूनों के तहत ही इतनी रोक टोक है तो फिर और सख्ती से क्या करेंगे। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म की गाइडलाइन समझते हैं। तो सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम बनाना होगा, 13+, 16+ और वयस्कों के लिए कंटेंट अलग अलग करना होगा, पेरेंटल लॉक का इंतजाम करना होगा। अब आते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस पर। तो शिकायत अधिकारी रखना होगा जो 14 दिन के अंदर शिकायतों का निपटारा करे, 24 घंटे में न्यूडिटी हटानी होगी, महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक वाली पोस्ट हटानी होगी, सबसे पहले किसने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है वो जानकारी देनी होगी। अब तक व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज को बनाने वाला पता नहीं लग पाता था, इस नियम के बनने से सरकार इस पर भी नज़र रख पाएगी। हर महीने आने वाली शिकायतों की एक रिपोर्ट जारी करनी होगी, ट्वीट पोस्ट हटाने पर यूजर को कारण बताना होगा और सुनवाई करनी होगी। जब इस ऐलान के वक्त केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से पत्रकारों ने पूछा कि डिजिटल मीडिया के लिए गाइडलाइन तो बना रहे हैं, लेकिन बनाते वक्त क्या आपने कोई स्टेक होल्डर यानी डिजिटल न्यूज मीडिया के लोगों से बातचीत या परामर्श किया? प्रकाश जावड़ेकर का इस पर कहना था कि सरकार को पता ही नहीं है कि डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म कितने हैं, कौन है, तो कंसल्टेशन करें तो किससे करें। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि अब इन्हीं सब चीजों के लिए तो ये गाइडलाइन बनाई जा रही है। डिजिटल मीडिया पर रेगुलेशन के लिए तर्क देते हुए जावड़ेकर कहते हैं कि मीडिया की आजादी लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन एवरी फ्रीडम हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम।